वहीं हरिद्वार कुंभ मेले में संतों का पहला नगर प्रवेश निरंजनी पंचायती अखाड़े के रमता मंच द्वारा किया गया। देश भर से हरिद्वार पहुंचे निरंजनी अखाड़े के साधु संतों का निरंजनी अखाड़े में भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद निरंजनी अखाड़े से रमता मंच और साधु संत बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा के रूप में तुलसी चौक, देवपुरा ऋषिकुल चौक से होते हुए गोविंदपुरी स्थित SMJNPG कॉलेज परिसर में छावनी में पहुंचे। स्थानीय लोगों द्वारा साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं निरंजनी अखाड़े ने कुंभ का आगाज भी कर दिया। निरंजनी अखाड़े के रमता पंच और साधु संत 3 मार्च तक कुंभ मेला छावनी में निवास करेंगे और 3 मार्च को निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत नागा सन्यासी देश भर का भ्रमण कर कुंभ मेले में हरिद्वार पहुंचे। रमता पंच है जो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने हमारे संत है, महंत है, नागा है, वो सब यहाँ एकत्रित हो गए हैं। कि नगर प्रवेश का ये अर्थ है कि अभी आज से हमारे जितने भी नागा है, संत है, जितने भी लोग आएंगे, ये सब हमारे जो है छावनी में ही आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। और छावनी से इकट्ठे सब लोग फिर वापस यहाँ पे अखाड़े में 3 मार्च को आएंगे। अभी जो है जितना भी कुंभ का काम होगा वो SMJNPG कॉलेज से ही होगा। हमारे जितने महंतान हैं, नागा हैं, साधु संत हैं, पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार करते हुए कुंभ मेला हेतु आज वो इकट्ठा होकर के SM जैन डिग्री कॉलेज जो हम अखाड़े का है वहाँ पे छावनी के रूप में रहेंगे और 3 तारीख को पेशवाई जो शोभा यात्रा जिसे कहते हैं पेशवाई एक भव्य निकालते हुए फिर हम कुंभ मेला छावनी में प्रवेश करेंगे 3 मार्च को। निरंजनी अखाड़ा के रमता पंच इन्होंने प्रवेश किया है और आपका भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेले की शुरुआत भी हो गई और ऐसा एहसास भी साफ साफ दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सुंदर मेला हरिद्वार में देखने को मिलेगा। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कुंभ मेले में संतों का लगातार जिस तरीके से आना जाना है, साधु संतों का भव्य स्वागत हुए, आप उस तस्वीर के उस मौके के गवाह बने हैं, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को भी शेयर कीजिए। बिल्कुल आलोक, कुंभ को भव्य और सुंदर बनाने के लिए लगातार ही जो मेला प्रशासन है शुरुआत से ही लगा हुआ है। हालांकि अब कुंभ की जो शुरुआत हो चुकी है और कुंभ की शुरुआत को लेकर हरिद्वार वासियों के साथ साथ देश भर में भी एक बड़ा उत्साह का माहौल है। हालांकि जो नाना संत है और जो साधु संन्यासी है वो कहीं ना कहीं अब उन्होंने नगर प्रवेश कर लिया है। हालांकि 3 मार्च को इनकी एक पेशवाई निकली जाएगी जिसे हम शोभा यात्रा भी कह सकते हैं। हालांकि जो कुंभ की तिथि है उसे एक सीमित समय में रखा गया है, वो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगी, लेकिन जो कुंभ का आगाज है वो कहीं ना कहीं हो चुका है और जो सन्यासी हैं, साधु संत हैं, दूर दूर से उनका आना शुरू हो गया है। हालांकि जिस तरीके से हरिद्वार धर्मनगरी में जो लोग हैं, मेलार्थी हैं, वो प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो वाकई देखने लायक है। वो हरिद्वार जो कहीं ना कहीं हरिद्वार के अंदर जो भव्य और सुंदर है एक भगवा रंग नजर आ रहा है। हालांकि जयकारों के साथ जो धर्मनगरी हरिद्वार गूंजी हुई है, हालांकि पूरा उत्साह का माहौल फिलहाल यहाँ बना हुआ है। जी आलोक, फिलहाल कुल मिलाकर के अब आगे अगर तैयारियों की बात करें तो फिलहाल किस तरीके से तैयारी, क्योंकि बीच में खबर आई थी संजय कि जो कुंभ होगा वो खाली 28 दिनों का होगा, साधु संतों ने इसको लेकर के नाराजगी भी जाहिर की थी। लगातार ही जो मेला प्रशासन है, जो अस्थायी निर्माण है कहीं ना कहीं टेंट के कहें या कैंप कहें, वो लगातार जो मेला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। हालांकि लगातार ही इस बात की भी चर्चा रही है जो कुंभ के अधूरे कार्य हैं उनको लेकर जो साधु संत नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेला अधिकारी दीपक रावत की बात की जाए या फिर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो मेले के कार्य हैं वो पूरे होते दिख रहे हैं। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार इस समय भगवा रंग से रंगा दिखाई दे रहा है। हालांकि आध्यात्मिक चित्र दीवारों से लेकर जो घाट है उन पर कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व, एक सनातन धर्म को दर्शाती हुई तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, मेलार्थी आ रहे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि जो धर्मनगरी है पहले में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। एक जो धर्मनगरी हरिद्वार है उसकी एक तस्वीर कहीं ना कहीं बदली हुई नजर आ रही है। जी आलोक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो संजय पुंडीर बताया था कि संतों को लेकर की नाराजगी भी थी क्योंकि 28 दिनों का खाली कुंभ था, प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश दिए थे, क्योंकि प्रशासन से जब
इस बारे में जब तर्क लिया गया तो उसकी तरफ से तर्क यही था कि कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में रमता पंच का नगर प्रवेश हुआ। वहीं बड़ा उदासीन अखाड़े की ओर से श्री चंद्राचार्य चौक का लोकार्पण हुआ। वहीं विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा द्वारा कुंभ पर्व की शुरुआत के प्रतीक में धर्मध्वजा की स्थापना की गई, जिसमें पूर्व गंगा सभा द्वारा धर्मध्वजा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर कीर्तन, बैंड बाजे और कई तरह की झांकियां थीं, जिसके बाद गंगा पूजन कर हर की पैड़ी पर धर्मध्वजा फहराई गई। इस दौरान गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि हर की पैड़ी पर धर्मध्वजा स्थापित होना हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो कि हमारी माँ गंगा से जुड़ी आस्था को दर्शाता है। महाकुंभ 2021 की शुरुआत श्री गंगा सभा द्वारा की जा चुकी है। वहीं गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा ने बताया कि सभी अखाड़े हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर आकर माँ गंगा में स्नान करते हैं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा की धर्मध्वजा की पहले यात्रा निकाली और माँ गंगा की धर्मध्वजा को स्थापित किया। हर की पौड़ी हम सभी के लिए, हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत विशेष स्थान रखता है। जैसे कि माँ गंगा हमारी संस्कृति और हमारी देश की सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं है बल्कि आत्मा है, इसी प्रकार माँ गंगा के जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में हर की पौड़ी समस्त तीर्थों की एक आत्मा के रूप में है। और आज इस पवित्र तीर्थ पर माँ गंगा की धर्म ध्वजा स्थापित होना हम सभी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण भी है। धर्म ध्वजा जो है आज एक अब से 11 वर्ष पहले भी माननीय श्री सुरेंद्र जी सिखोला जी के नेतृत्व में संपन्न करी थी। इस बार उसको विधिवत स्थापित कर दी गई है वहाँ पर हर की पैड़ी पर, क्योंकि जो जितने भी धर्मशील हैं, चाहे तेरा हमारे अखाड़े हैं, चाहे तमाम सनातनी पद्धति हिंदुस्तान की नहीं विश्व की है, वो माँ गंगा हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर ही स्नान करती है। और उस स्थान पर बगैर धर्मध्वजा के हम थोड़े अपने आप को अधूरे महसूस कर रहे थे, आज उस धर्मध्वजा के नीचे आकर के हम सभी को अपने आप को गौरवित महसूस कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगने के मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री के पुत्र शिवम भगत, सौरभ भगत और एक अन्य कार्तिक वशिष्ठ के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि बेटी की हत्या की गई है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बेटी को साजिश के तहत मारा गया, शादी के बाद से उसे परेशान किया जा रहा और दहेज की मांग की जा रही थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में सौरभ भगत को गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। मृतका के पिता ने इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की। नौ बारह 2020 को शादी करी, बड़ी धूमधाम से बहुत लेन देन दिया, पूरा मैंने सेवा की इनकी। 15 दिन पहले इसने घर से निकाल दिया, मार के आ गई, पीटा बहुत उसको, बिटिया को रात को मैं देवभूमि अस्पताल में रख गया, फिर 5 बजे उसको डिस्चार्ज करा के लाया। फिर ये 2-4 दिन के बाद में आए कि जी माफ़ी दे दो, हमें आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब वो मामला चलता चलता आज मेरी लड़की की हत्या कर दी इन्होंने, शिवम भगत, पूनम भगत, वशिष्ठ और जी भाई है उसका, असु और सभी लोग हैं घर के। मैं चाहता हूँ कि इनको अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए, बेटी तो मेरी वापिस आती नहीं, बाकी आगे किसी और बच्चे के साथ में ऐसा अत्याचार ना हो। षड्यंत्र के तहत ये हुआ कि पहले ये लोग जो हैं मेरे घर पर आए कि जी रिश्ता कर दो, मैंने कहा जी ऐसा है मैं तो अपनी बेटी की शादी करूँगा अभी, और मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, वकालत कर रखी है।
आगे बढ़ेंगे। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने क्लिप कॉटेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निवासियों की समस्याओं के समाधान को लेकर वहां का निरीक्षण किया। क्षेत्रवासी पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि यहां पर लगातार सीवर बहता रहता है, जिससे आने जाने में भी लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में कई लोग भी चोटिल हो चुके थे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि उन्होंने गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया और जल्द ही जनता की समस्याओं का हल किया जाएगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र उनियाल ने बताया कि इस संबंध में क्षेत्रीय सभासद को भी अवगत कराया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर उन्होंने स्वयं पालिका अध्यक्ष से भेंट कर इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आग्रह किया। मुझे समिति के लोगों द्वारा अवगत कराया गया था कि क्लिप कॉटेज में पिछले 8 साल से जो है वहाँ पर सीवर लाइन बह रही है एक नाले के ऊपर, जिससे लोगों वहाँ पे कई बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है और लोगों को वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रखा है। तो कई लोगों ने मुझे बीच में भी एक लेटर दिया था कि पालिका अध्यक्ष को इसके संबंध में अवगत करा दो, तो मैं बीच में आदेश से मिलकर उनके आवास पे मिलने गया था। तो उन्होंने आश्वासन किया था कि मैं वहाँ पे निरीक्षण करने के बाद जो है वहाँ पे नाले का जो है जो शिविर बह रहा है उसको उसको मरम्मत करवा दूंगा। तो आज नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे साथ गए वहाँ पे। बिल्कुल, आज मेरे द्वारा क्लिफ कॉटेज एरिया का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे जो पाया गया कि सीवर काफ़ी लोगों का सीवर खुले में बह रहा है, जिससे वहाँ पे गंदगी फैल रही है और जल निगम जल संस्थान को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द उस सीवर लाइन को, जो सीवर खुले में बह रहा है उसे सीवर लाइन से कनेक्ट करके वहाँ की जो समस्या है उसको दूर करी जाए। नाले को भूमिगत करने की बात, भूमि को नाल करने की उनकी मांग है, लेकिन अभी बजट के शॉर्टेज के कारण उसको भी स्थगित किया गया, लेकिन जो सीवर खुले में बह रहा है और जो गंदगी वहाँ पे फैल रही है तो जल निगम को और जल संस्थान को निर्देशित किया है कि उसको जल्द से जल्द उसको सामान्य करें। तो क्लिप कॉटेज का किया निरीक्षण पालिका अध्यक्ष ने, जिसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र किया और जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने के भी आदेश दिए। तो आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष लगातार जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लेकर पूरी तरीके से सजग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटक जो हैं और इस व्यवसाय से भी जब जुड़ रहे हैं, जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो रोज़गार के अवसर का भी सृजन होगा। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद है और पंचायत चुनाव 2022 की रणनीति पर होगी चर्चा। तो पंचायत चुनाव को लेकर के जब सरकार का साफ तौर पर कहना है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, बीजेपी पूरी तरीके से हालांकि परोक्ष रूप से नहीं चुनाव लड़ रही है अपने सिंबल को लेकर के, लेकिन जो प्रत्याशी जो है वो पार्टी प्रत्याशी वो अपने जरूर प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के अब गांव की सरकार बनने की जो कवायद है वो जोरों पर है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव समेत 2022 की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसका प्रतिनिधित्व राधा मोहन कर रहे हैं, क्योंकि राधा मोहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। पंचायत चुनाव समेत 2022 की रणनीति पर आगे किस तरीके से, क्योंकि विपक्षी भी जो है वो भी लगातार किस तरीके से अपनी जो प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है, और एक तरफ पंजाब में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उनके जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं मंथन करने पर मजबूर कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियां इस बीच लगातार सामने, क्योंकि बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा हो रही वृद्धि और इसी के साथ साथ लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर भी वृद्धि हो रही है।
आगे बढ़ेंगे। मसूरी में नगर पालिका परिषद सभागार में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत डिजिटल राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक गणेश जोशी ने लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए। वहीं विधायक गणेश जोशी ने बताया कि डिजिटल कार्ड बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा। इस कार्ड से किसी भी प्रदेश के शहर में राशन मिल सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड बनाने पर भी रोक लगेगी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आम जरूरतमंद लोगों को आसानी से राशन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने जो योजना बनाई है वो मील का पत्थर साबित होगी। वहीं इस अवसर पर जिला पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि देहरादून जिले में लगभग 4 लाख राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें डिजिटल राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। वहीं आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से लगातार इस पूरी कवायद के बीच जो मसूरी में अब किस तरीके से चाहे वो क्लिप योजना हो, लेकिन पर्यटकों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लगातार जारी हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।